नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं जॉब अलर्ट गुरु में। और आज का हमारा वीडियो 1 दिसंबर 2018 के करंट अफेयर्स के पर्सन है। दोस्तों, वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखें ताकि आपके 1 दिसंबर 2018 के करंट अफेयर्स के टॉप पर्सन आपको याद हो जाएं, ताकि जब भी आने वाली परीक्षा में अगर ये पर्सन आते हैं तो आप उसका उत्तर तुरंत दे सकें। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा ताकि बनाने वाले का भी हौसला बना रहे। दोस्तों, आप सभी भाई लोगों को एक बार दोबारा से गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और आइए, 1 दिसंबर 2018 का करंट अफेयर्स के पर्सन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम दोस्तों आपको 30 नवंबर 2018 का हमारी तरफ से पूछा गया एक पर्सन है उसका जवाब दे देते हैं। हाल ही में 9वां सबसे मूल्यवान राष्ट्र प्राण कौन सा देश बना है? दोस्तों, हमने 4 ऑप्शन दिए थे और इसका सही जवाब है सी, भारत। इसी तरह से आपको आज भी एक लास्ट में एक क्वेश्चन मिलेगा जिसका जवाब आपको देना है, और जवाब देकर आप एक गिफ्ट जीत सकते हैं जो ब्लड गुरु की तरफ से। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स है 1 दिसंबर 2018 का, उसके क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं। 1 दिसंबर 2018 का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में भारत द्वारा लॉन्च किए गए 8 देशों के हाइसिस समेत कितने उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए है 29, बी है 30, सी है 31, डी है 32। इसका सही जवाब है वो कमेंट में दें। और क्वेश्चन नंबर 1, 1 दिसंबर 2018 करंट अफेयर्स का सही है, 31 उपग्रह हैं वो अब तक लॉन्च किए जा चुके हैं। अब हम बात करते हैं 1 दिसंबर 2018 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में लगातार चौथी बार शतरंज के वर्ल्ड चैंपियन कौन बने हैं? क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन है 4। ए है मैग्नस कार्लसन, बी है विश्वनाथ आनंद, सी है वेस्ली इवनचुक, डी है पी हरिकृष्ण। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब है ए, मैग्नस कार्लसन। अब हम चलते हैं 1 दिसंबर 2018 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नंबर 3 है। 2018 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य ने मराठा समुदाय को आरक्षण से संबंधित बहुप्रतीक्षित विधेयक पास किया है? इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए है कर्नाटक, बी है महाराष्ट्र, सी है गुजरात, डी है केरल। और क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब है डी, महाराष्ट्र। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 1 दिसंबर 2018 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में सखी पहल किस कंपनी ने शुरू की है? ए ऑप्शन है एयरटेल, बी है आइडिया, सी है वोडाफोन और डी है BSNL। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब सही है सी। इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी आपको बता देते हैं। ये सखी है क्या, ये सखी पहल है, ये क्या है? दोस्तों, वोडाफोन कंपनी ने एक अनूठी पहल की है, बिना इंटरनेट और बैलेंस महिलाओं की करेगी सुरक्षा। ये सखी जो है ये एक सर्विस है और ये बिना इंटरनेट और बिना बैलेंस के महिला की सुरक्षा करेगी इसके लिए, और इसका पूरा नाम है वोडाफोन सखी। इंटरनेट और बैलेंस ना इस सेवा के तहत किसी भी खतरे के महसूस होने या गंभीर जरूरत पड़ने पर महिलाएं बिना इंटरनेट और बैलेंस के 10 लोगों को मोबाइल से अलर्ट भेज सकेगी। इस वोडाफोन सखी की मदद से महिला है वो 10 लोगों को अलर्ट मैसेज भेज सकती है। अब हम बात करते हैं इसके लिए सखी सर्विस को अगर आप एक्टिव करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। इसके लिए टोल फ्री नंबर है 1-800-123-100। इस पर आप जैसे ही कॉल करेंगे तो ये सर्विस है आपकी एक्टिव हो जाएगी। ये फ्री सर्विस है और इसके लिए महिला को केवल एक नंबर पर कॉल करना होगा, 55-00-55-00 पर कॉल करने के बाद में अलर्ट के साथ महिला का लोकेशन है उसी संबंध में पहुंच जाएगा है वो 55-00 पर कॉल करेगी तो उस टाइम है वो उनका लोकेशन है वो 10 लोगों के पास पहुंच जाएगा और ट्रैक हो जाएगा। इसी तरह से सखी जो पहल है वोडाफोन की वो अच्छी है महिला सुरक्षा के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर।
भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच नौसैनिक युद्ध अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? दोस्तों हम आपको बता देते हैं, ए है केरल, बी है उड़ीसा, सी है गुजरात, डी है गोवा। क्वेश्चन नंबर 5 1 दिसंबर 2018 का करंट अफेयर्स का प्रश्न है, इसके लिए सही ऑप्शन है डी गोवा। दोस्तों भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच नौसैनिक युद्ध अभ्यास का आयोजन गोवा राज्य में किया जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस महानगर में 3 दिवसीय दक्षिण एशिया क्षेत्रीय युवा शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया? इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, ए है मुंबई, बी है नई दिल्ली, सी है कोलकाता, डी है चेन्नई। तो आप अपना जवाब है वो जल्दी से कमेंट में दें, और इसका सही आंसर है बी नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब है नई दिल्ली। अब हम बात करते हैं 1 दिसंबर 2018 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नंबर 7। भारत व अमेरिकी वायुसेना के बीच कोप इंडिया 2019 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, गुजरात, बी है महाराष्ट्र, सी है गोवा, डी है पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब है दोस्तों डी पश्चिम बंगाल। भारत व अमेरिकी वायुसेना के बीच कोप इंडिया 2019 का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया जाएगा। अब हम बात करते हैं 1 दिसंबर 2018 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाथ में हाथ सैन्य अभ्यास का आयोजन किन 2 देशों के बीच किया जाएगा? और इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, ए है भारत और अमेरिका, बी है भारत और रूस, सी है भारत और चीन। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब है सी भारत और चीन। हाथ में हाथ सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और चीन दोनों देशों के बीच किया जाएगा। हम बात करते हैं 1 दिसंबर 2018 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नंबर 9। भारत के गणतंत्र दिवस 2019 के समारोह में अंतर्राष्ट्रीय मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति होंगे? दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हर परीक्षा और आने वाली परीक्षा में पूछ भी सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 के गणतंत्र दिवस 2019 के समारोह में अंतर्राष्ट्रीय मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति होंगे? इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, ए है दक्षिण अफ्रीका, बी है अमेरिका, सी है रूस, डी है जापान। दोस्तों इसका सही आंसर है ए दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के प्रधानमंत्री है वो भारत के गणतंत्र दिवस 2019 के समारोह में अंतर्राष्ट्रीय मुख्य अतिथि दक्षिण अफ्रीका देश के राष्ट्रपति होंगे। अभी आने वाले जो दिवस हैं गणतंत्र दिवस, उसमें दिवस 2019 समारोह में अंतर्राष्ट्रीय जो मुख्य अतिथि होंगे वो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति होंगे। अब हम बात करते हैं 1 दिसंबर 2018 करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नंबर 10 है, और 1 दिसंबर 2018 का करंट क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विकास कॉरपोरेशन का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? दोस्तों इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, ए है मनीष कुमार, बी है अनिल मीण भाई नायक, सी है जयंत कृष्णा, डी है जयकांत सिंह, और इसका सही आंसर है बी। और क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है बी अनिल मीण भाई नायक। अब हम चलते हैं दोस्तों आप सभी के लिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसका जवाब आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कमेंट में देने की कोशिश कीजिए। जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा सही जवाब देगा और सबसे पहले देगा उन्हें जॉबलेट गुरु चैनल की तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन है 11, हाल ही में 6 से 10 दिसंबर के मध्य होने वाले टेस्ट सीरीज किन 2 देशों के मध्य खेला जाएगा? इसको आपको आंसर देना है। इसका आंसर देने के लिए हमारे द्वारा यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन है वो कमेंट में टाइप कर उत्तर दे सकते हैं। ए है भारत और पाकिस्तान, बी है भारत और श्रीलंका, सी है भारत और ऑस्ट्रेलिया, डी है भारत और इंग्लैंड। आप इनका जवाब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कमेंट में देने की कोशिश कीजिए, और एक और हमारे चैनल की तरफ से एक गिफ्ट जीतिए। तो दोस्तों ये तो था आज का हमारा वीडियो 1 दिसंबर 2018 का करंट अफेयर्स के प्रश्न। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा बताए गए प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और आने वाली परीक्षा में भी आपके काम आएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो। और दोस्तों अगर आप इस फाइल को करंट जीके 1 दिसंबर 2018 को अगर PDF में डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने है वो PDF फाइल ओपन हो जाएगी और आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।